हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, यह बिजनेस इन्वायरमेंट का लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991 रिफॉर्म्स के बारे में, जिसमें थ्री एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो बच्चों, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 में, इसके पहले कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो 1991 के पहले हमारे इंडियन इकोनॉमी की व्यवस्था काफ़ी क्राइसिस आ चुके थे, अर्थव्यवस्था में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे, जैसे कि फॉरेन करेंसी का शॉर्टेज हो गया था हमारे देश में, इकोनॉमी का मूवमेंट रुक गया था, धीमा पड़ गया था। और उस ड्यूरेशन में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें इन्होंने तीन चीज़ें लेके आए, और वो तीन चीज़ें थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बच्चों, लिबरलाइजेशन का मतलब इन्होंने क्या बताया कि लिबरलाइजेशन में लाइसेंस सिस्टम को रिमूव कर दिया गया, कुछ फ्यू चीज़ों को छोड़ के, यानी कुछ जगहों को छोड़ के हर जगह से लाइसेंस सिस्टम को हटा दिया गया। इट्स मीन्स कि लोगों को फ्रीडम दिया गया कि वह अपने से और अपने मन से क्या कर सके, काम को कर सके, फ्री माइंड से काम को कर सके। लेकिन कुछ फ्यू प्लेसेस पर रेस्ट्रिक्शन थे, वो रेस्ट्रिक्शन थे आर्म्स, जहाँ पे हथियार बनते हैं, या आपके अल्कोहलिक प्रोडक्ट हो गए, टोबैकोस प्रोडक्ट हो गए, उसमें लाइसेंस लेना कंपलसरी था। तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग बोर्ड पे लिखा हुआ है बच्चों, इट रेफर्स टू द एंड ऑफ लाइसेंस कोटा एंड मेनी मोर रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल्स वेर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991। जो इस तरह की भी इंडस्ट्रीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे इंडिया में काम कर रही थी, जैसे कि आपकी टूरिज्म, जैसा कि आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो हर इंडस्ट्रीज में से क्या किया गया, कुछ रेस्ट्रिक्शंस रिमूव किए गए, लाइसेंस सिस्टम को कम कर दिया गया कि आदमी आसानी से व्यापार कर सके, बिजनेस आसानी से अपने देश में कर सके, जिसके कारण क्या हो, इकोनॉमी में मूवमेंट हो, रोटेशन चालू हो। तो लिबरलाइजेशन के कुछ फीचर्स आपके सामने हैं। पहला है एबॉलिशिंग ऑफ लाइसेंस एक्सेप्शन इन अ फ्यू। इसका मतलब ही मैंने जो बताया आपको कि एबॉलिश मतलब लाइसेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया कुछ क्षेत्रों को छोड़ के। सेकेंड है नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि आपके जो बिजनेस एक्टिविटीज़ थे उस पर जो गवर्नमेंट के डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन रहते थे कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, उन सारे रेस्ट्रिक्शन को, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, जिससे कि बिजनेसमैन बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होके बिजनेस को कर सके। थर्ड है लिबरलाइजेशन इज अ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। लिबरलाइजेशन को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में भी इंक्लूड किया गया कि लोग आसानी से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सके, जिससे कि हमारे देश में जिस माल की अधिकता हो उसे हम एक्सपोर्ट कर सके। तो गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दिया, तो टैक्स को रिड्यूस कर दिया। जो एक्सपोर्ट पर या इम्पोर्ट पर हैवी ड्यूटीज, टैक्सेस लगते थे, उनको इन्होंने रिड्यूस कर दिया, जिससे कि व्यापारियों के लिए, यानी बिजनेसमैन के लिए आसान हो गया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना, और नए जो हमारे बिजनेसमैन थे वो भी इंटरेस्ट लेने लगे उस बिजनेस को, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस को कम कर दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को कम कर दिया, जिससे कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को बढ़ावा मिल सके। फोर्थ वन इज़ अ ईजी एंड अ सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट अ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। 1991 से पहले हमारे देश में फॉरेन करेंसीज की कमी थी। तो भाई, अब फॉरेन करेंसीज की कमी क्यों होगी, क्योंकि भाई देश में क्या हो रहा था, पहले सिर्फ और सिर्फ जो है इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट देश में नहीं होगा। जब एक्सपोर्ट देश में नहीं होगा तो फॉरेन करेंसीज की कमी आएगी, या कह सकते हैं कि जब हमारे देश में बाहरी दुनिया के लोग नहीं आएंगे, नहीं जुड़ेंगे हमारे देश से, तो क्या होगा, हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी की कमी होगी, जिससे कि हम दूसरे देशों से टेक्नोलॉजीज़ को बाई नहीं कर सकते हैं, परचेज नहीं कर सकते हैं। तो अब ज़रूरत थी हमें किस चीज़ की, कि हमें फॉरेन करेंसी की आवश्यकता थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने टूरिज्म को बढ़ावा दिया, जिससे कि हमारे देश में टूरिस्ट आए, नए नए अलग अलग देशों से टूरिस्ट आए, जिससे कि क्या हो, फॉरेन करेंसी इंडिया में भी आए। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ है बेटा फ्रीडम इन अ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आल्सो फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या था कि 1991 के बाद
बिजनेसमैन को फ्रीडम दे दिया गया कि वो अपने गुड्स की प्राइसेस खुद फिक्स कर सकें, जिससे कि उन्हें आज़ादी मिल गई अपने अकॉर्डिंग प्राइस को डिसाइड करने का। और ये बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि इससे लोग अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट के डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस फिक्स कर पाते थे। छठवां जो पॉइंट है, लास्ट वन, रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट, लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर अ इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने हर क्षेत्र में जहां जितनी कोशिश थी उतने क्या किया, टैक्स रेट को कम किया, जिससे कि क्या हो सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों और इकोनॉमी को बूस्ट मिले। इसके कारण इन्होंने क्या किया, रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट, लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर इकोनॉमी। और जो भी अननेसेसरी कंट्रोल गवर्नमेंट का था उसको भी रिड्यूस कर दिया, कि हमारे और एक ही एक काम क्या, कि बिजनेसमैन अगर इन सारे जो भी इनको सुविधाएं मिलेंगी लिबरलाइजेशन के माध्यम से, तो वह अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। दैट्स कॉल्ड लिबरलाइजेशन। यही लिबरलाइजेशन का मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट है बच्चों प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों? प्राइवेटाइजेशन में 1991 में ये किया गया कि जो भी पब्लिक सेक्टर थे उनको हटा के हम अधिकतर सेक्टर को कहाँ लेके आए, प्राइवेट में लेके आए। जैसे कि आप सब जानते हो आज के समय में हर चीज़ प्राइवेट है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट है, वाटर पार्क प्राइवेट है, आपके जो बस सर्विसेज है वो प्राइवेट है, तो कई सर्विसेज आपको प्राइवेट दिखता है। लेकिन 1991 से पहले हर चीज़ क्या था, आपके गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है, इट रेफर्स टू गिविंग अ ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रेड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अपने देश में क्या किया गया कि जो भी आपके पब्लिक सेक्टर का रोल था और प्राइवेट सेक्टर का रोल था, उसमें आपके प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया गया और पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। और 1991 के पहले के रिसर्च में क्या पता चला था कि देश की शुरुआत तो एक साथ हुई थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुआ था और पब्लिक सेक्टर का ग्रोथ काफ़ी धीमे गति से हुआ था। इट्स मीन्स कि अगर हम अपने देश को, इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं, तो पब्लिक से प्राइवेट में आना जरूरी था, और वही गवर्नमेंट ने किया, प्राइवेटाइजेशन लाया। तो प्राइवेटाइजेशन को कैसे जो है इस्टेब्लिश करवाया गया, इट्स मीन्स कि अगर आप सोचो कि अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब को अभी बंद कर दे, कहते रेलवे प्राइवेट हो गया, क्या कहते रेलवे प्राइवेट हो गया, तो सोचो कितने लोगों को कितनी परेशानियां आने लगेंगी। जो लोग कितना मेहनत से करके उस जॉब को पाए होंगे उनको कितनी दिक्कतें आएंगी। तो गवर्नमेंट ने कुछ अपने स्टेप्स लिए कि कैसे हम आसानी से इसको क्या करा सकें, लागू करा सकें। तो पहला था डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। इन्होंने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। डिसइन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अपना जो शेयर था वह प्राइवेट को सेल कर दिया। दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। सेटिंग अप बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR का गठन हुआ। इसका फुल फॉर्म जरूर आप याद करना बच्चों, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इस बोर्ड का गठन हुआ। इस बोर्ड का गठन का मेन उद्देश्य क्या था, कि जो भी आपके वर्कर्स बेरोजगार होंगे इस दौरान, तो हम उन्हें क्या कर सके, उनके इंटरेस्ट को सेफ रख सके, इसके लिए BIFR का गठन किया गया। और इन्होंने यह देखते हुए कि हमारे जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होंगे उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, यह सर्च किया कि कौन सी यूनिट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी यूनिट सिक है। सिक का मतलब कि वह फाइनेंशियली बीमार है, लॉस में चल रही है, कई सालों से लगातार लॉस में चल रहा है पब्लिक सेक्टर। अगर उनमें कहीं भी थोड़ी सी भी जो है प्रोबेबिलिटी है ग्रोथ करने की, तो उन्हें रिवाइव किया, और जो जहां बिल्कुल भी चांस नहीं मिला ग्रोथ करने का उन्हें क्या किया, शट डाउन कर दिया। और साथ ही साथ जो भी वर्कर्स वहां बेरोजगार हुए उनके लिए अलग अलग पॉलिसीज लाएँ कि वह आसानी से अपनी लाइफ को जी सके। ये BIFR ने किया, क्या, टू सेट अप फॉर अ रिवाइव और क्लोज अ सिक यूनिट्स इन अ पब्लिक सेक्टर। जो फाइनेंशियली सिक यूनिट्स थे उनको क्लोज कर दिया, और जहाँ पे रिवाइव करने का चांस था उस यूनिट को क्या किया, रिवाइव किया, और आज वो सर्वाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ अ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट।
डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या है बच्चों, कि गवर्नमेंट की जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां थी उनका स्टेक कम कर दिया, 50% से भी कम कर दिया और 51% प्राइवेट के हाथ में दे दिया। और जब 51% स्टेक क्या होता है प्राइवेट के हाथ में जाता है तो उसके साथ साथ उसका ओनरशिप और मैनेजमेंट भी क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया किसके पास, गवर्नमेंट से प्राइवेट के पास चला गया मैनेजमेंट। और साथ ही साथ क्या बच्चों, ओनरशिप भी किसके ट्रांसफ़र हो गया, वो प्राइवेट में चला गया। जैसे 51% से अगर क्या किया गवर्नमेंट ने, बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को, उसने डाइल्यूशन कर दिया यानी अपने कंपनी के शेयर को प्राइवेट हिस्से में बेच दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका जो ओनरशिप होगा, जो उसका आपका मैनेजमेंट होगा, वो सब कहाँ चला गया, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चला गया। दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेटाइजेशन, सिंपल लाइन में कन्वर्टिंग अ पब्लिक कंपनी टू द प्राइवेट कंपनी इज नोन एज अ प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट आता है बच्चों ग्लोबलाइजेशन। आज सब आप लोग ग्लोबलाइजेशन को एंजॉय कर रहे हो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही देश जो है इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इट रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर हम अपने देश के अकॉर्डिंग देखें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, अपने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर हम अपने देश को अपने तक ही सीमित रखें तो ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हो सकता था, इसलिए जरूरत थी ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन का संभावना कैसे बढ़ सकता था, अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, फॉरेन एक्सचेंज पर और जो भी रुकावटें हैं उनको अगर हम दूर करते हैं तो फटाफट क्या हो सकता था, हम ग्लोबलाइज हो पाते। जैसे दूसरे देशों से हमारे देश में लोग आसानी से आ सके, हम यहाँ से दूसरे देशों में आसानी से जा सके, दूसरे देश से लोग हमारे यहाँ आसानी से क्या कर सके, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सके, हम दूसरे देशों से आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके, दूसरे के टेक्नोलॉजी को हम बाई कर सके, हमारे जो है हमारे यहाँ जो भी टेक्नोलॉजी हम दूसरों को आसानी से सेल कर सके, इन सब चीज़ों से क्या होता है, देश में जो है इकोनॉमी तेज़ी से ग्रोथ करती है और हमारे देश का विकास संभव था। तो ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन में क्या बोला है, एवोल्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो आप सब मीनिंग जब समझ गए होंगे कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि दूसरे देशों से जुड़ना, तो ये कैसे जुड़ना संभव है, अगर हम एवोल्यूशन एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा देते हैं तो यह संभव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरे देशों से जुड़ पाएंगे। रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया जाए, इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर देने से क्या होगा कि हम जो भी खरीदना चाहते हैं वो कम से कम खर्च में हम बाई कर सकेंगे दूसरे देशों से। इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट रिमूव्ड मेनी रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम अ इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन आएगा तभी ग्लोबलाइजेशन संभव है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रिमूव कर दिया कई ऐसे रेस्ट्रिक्शन जो कैपिटल गुड्स, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के कैपिटल गुड्स पे लगाए जाते थे, उन टैक्सेस को हटा दिया जिससे कि हम आसानी से उस जरूरी कैपिटल गुड्स को बाई कर सके, इंपोर्ट कर सके। फेरा को रिमूव कर दिया किससे, फेमा से। फेरा को रिमूव कर दिया फेमा से। फेरा इज द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो 1973 में पास हुआ था, जिसमें एक्सचेंज पे, फॉरेन एक्सचेंज पे ऑब्जेक्शन रोक लगाई गई हुई थी और वहीं पर फेमा लाया गया और फेमा में फॉरेन एक्सचेंज को छूट दी गई, वहां पर लिबरलाइजेशन लाया गया फॉरेन एक्सचेंज में कि आसानी से हम कैपिटल गेन कर सके, एक दूसरे देशों से कैपिटल आ सके देश में, कि अर्थव्यवस्था फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम को मजबूती मिल सके, बूस्ट मिल सके, इसलिए फेरा को हटाकर फेमा लाया गया। तो बच्चों ये आपका क्या था, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये एक टॉपिक था जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी फेरा का फुल फॉर्म, कभी BIFR का फुल फॉर्म, ये सब चीज़ें पूछे जा सकती हैं आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो इन फुल फॉर्म्स को जरूर याद करिएगा।